दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में बता रहा हूं, देखिए हमारा ये वाला जो बैरिंग है, जब ये आवाज़ करने लगता है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, एक बार मैं आपको करीब से दिखा दूं ये किस तरीके से आवाज़ करता है। तो देखिए ये जो है हमारा, ये जो है यहाँ से आवाज़ करने लगता है इस तरीके से, और नीचे जो है हमारा ये जो है ये यहाँ से इस तरीके से आवाज़ करने लगता है। तो इसको भी मैं चेंज करूँगा, और यहाँ से ऊपर वाला भी हमें चेंज करना है। और चेंज करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ नया जो मैं इसमें लगाऊँगा। तो देखिए ये है हमारा नया बैरिंग, और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतर है, और ये आवाज़ भी नहीं करता है और हल्का भी बहुत चलता है। इसका शायद हमें मिला ये रॉड, तो इसको जो है मैं फ़िलहाल अभी इसको रख देता हूँ, और नीचे वाला जो बैरिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हमारा नीचे वाला बैरिंग जो मैं इस जगह यहाँ पर लगाऊँगा, मैं आपको उस साइड से दिखा दूँ, इस जगह पर लगाऊँगा तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है और आवाज़ भी नहीं करता है। तो दोनों को मैं एक साइड रख देता हूँ, और इसके लिए हमें करना है क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके मशीन में बेल्ट है तो आप जो है मशीन के बेल्ट को एक साइड करके बांध दीजिए, ताकि आपको जो है इसको चेंज करने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो है हमें करना है क्या, देखिए हमें ये जो नट है इस नट को हमें खोलना है, और उसके बाद हमें ले लेना है प्लास, और प्लास से जो है हमें इस रॉड को पूरी तरीके से खोल के नीचे कर देना है, जिस तरीके से मैंने किया आपको भी इसी तरीके से करना है। और उसके बाद जो है हमें निकालना है व्हील, और व्हील निकालने में कई बार क्या होता है कि हमें दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, और दिक्कत किस तरीके की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका पेज जो है नीचे है, और इसका हॉल जो है ये ऊपर है, तो कोई बात नहीं, मैं इसका भी जो है आपको हल बताऊँगा किस तरीके से इसको सेट करेंगे, और आसानी से पहिया जो है हमारा व्हील कैसे निकलेगा मैं आपको बताऊँगा। देखिए हमें जो है इस नट को पिलास से पकड़ लेना है, और ये है हमारा 15 नंबर की चाबी से इस नट बोल्ट को पूरी तरीके से खोल के बाहर निकाल देना है। जब तक मैं इस नट बोल्ट को खोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरीके का देखिए एक दूसरा है यहाँ पे, मैं आपको करीब से दिखा दूँ, देखिए इसको, तो इसे जो है हमें पूरी तरीके से नहीं खोलना है, इसको हमें सिर्फ लूज करना है, और उसी तरीके से जो है हमें लूज करना है, इस साइड से जो है हमें प्लास से पकड़ना है, और इस साइड से हमें चाबी से लूज कर देना है, और कितना लूज करना है मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। तो देखिए हमें जो है इतना हमें लूज करके और इसे छोड़ देना है, और उसके बाद जो देखिए हमारा ये वाला साइड है, इस साइड को हमें थोड़ा सा दूर कर लेना है, और इसमें देखिए काफ़ी गैप आ गया है इन दोनों, इस वाले साइड में और इस वाले पेंच में जो है काफ़ी गैप आ गया है। मैं आपको एक बार गैप दिखा दूँ, देखिए काफ़ी गैप है। और उसके बाद जो है मैं ले लेता हूँ चाबी, चाबी से इस नट को खोल लेता हूँ, और अब देखिए मैं पेचकस लगा के इस वाले पेंच को भी खोलूँगा, और काफ़ी देखिए आसानी से ये खुल रहा है। आपको भी इसी तरीके से जो है व्हील को निकाल लेना है, और व्हील को निकालने के बाद मैं इसमें वायरिंग लगाऊंगा। तो इस पेज को हमें खोलना है, पेज को खोलने के लिए जो है हमें क्या करना है, हमें ले लेना है 8 नंबर की चाबी। 8 नंबर की चाबी से मैं इस पेज को खोल लेता हूं, जिस तरीके से मैं खोल रहा हूं आपको भी इसी तरीके से खोलना है। और उसके बाद जो है हमें इस पेटमैन को निकाल देना है, और बैरिंग वाला पेटमैन आसानी से लगा लेना है। देखिए ये जो है हमारा निकल गया है, और मैं ले लेता हूँ पेटमैन बैरिंग वाला। देखिए इसमें जो है हमें रॉड लगा हुआ है, रॉड को मैं हटा देता हूँ, और रॉड हटाने के बाद मैं इसमें इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसमें जो है लगाने में कई बार क्या होता है कि ये इसमें आता नहीं है, तो आप इसको गोल रेती से घिस सकते हैं, और घिसने के बाद ये आसानी से आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए मैंने इसको लगा दिया, लगाने के बाद मैं जिस तरीके से मैंने खोला था उसी तरीके से मैं इसको लगा रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से जो है खोलना है और इसी तरीके से लगाना है। तो देखिए ये हो गया टाइट, और टाइट होने के बाद मैं इसको इसमें लगाता हूँ, और लगाने से पहले आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि बेल्ट जो है इस पेंच से नीचे होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऊपर कर देते हैं और उसके बाद हमें बेल्ट को काट के सेट करना पड़ता है। अब देखिए इसको जो है मैंने कस दिया है, और कसने के बाद जो है मैं इस नट को टाइट कर लेता हूँ, और नट टाइट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब देखिए ये जो है मैंने टाइट कर दिया है, और टाइट करने के बाद मैं एक बार व्हील को चला के देखता हूँ, ये देखिए टाइट है। और इसमें जो है कुछ बात का आपको खास ख्याल रखना है, इसमें जो है हमें ज़्यादा गैप नहीं करना है, और इसको हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, इसको हमें इतना टाइट करना है कि हमारा व्हील आसानी से चल पाए। तो देखिए मैंने दोबारा जो है इसको लूज करा है, लूज अभी भी नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा और लूज कर लेता हूँ। तो देखिए अब जो है ये बराबर चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ये लूज हो गया है। तो इसी तरीके से जो है हमें ऊपर वाला बैरिंग डालना है, अब उसके बाद देखिए नट बोल्ट मैंने नीचे यहाँ से खोला था, तो मैं इसको रोक कर अच्छे तरीके से इसको जो है मैं पहले टाइट कर लेता हूँ। जब तक मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए ये हमारा टाइट हो गया, और इसी तरीके से जो जैसे हमने ऊपर का खोला था नट बोल्ट,
उसी तरीके से जो है हम ऊपर का भी जो है हमें टाइट कर लेना है। तो देखिए हमारा ये हो गया नीचे वाला बैरिंग जो है अब लगाना है हमें। तो नीचे वाले बैरिंग यहाँ से जो है हमें खोलना है इसको, और खोलने के लिए हमें लेना है प्लास से इस तरीके से पकड़ना है, और हमें लेना है 19 नंबर का चाबी जो इसके नीचे जो है हमारा लगा हुआ है नट बोल्ट, जिसे मैं खोल रहा हूँ। आपको भी इसी को खोलना है और इसको खोल के जो है हमें बाहर निकाल देना है। देखिए इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और हमें जो इसके साथ रॉड मिला था ये वाला रॉड हमें जो है यहाँ नहीं लगाना है। इस बात को हमें ख्याल रखना है, नहीं लगाना है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये लगाना है हमें यहाँ पे बैरिंग। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, और खोल के इसको कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हमें इस तरीके से जो है इसको खोल लेना है, और ये वाला जो है यहाँ पे नट बोल्ट इसको जो हमें इस तरीके से अच्छे तरीके से पूरी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद हमें ये जो है हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लगा लेना है, और आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि पूरी तरीके से जो है इसको ऊपर तक टाइट कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए ये रिंग है, इसको रिंग को हमें लगाना है, फिर हमें लगाना है इसमें वार्सल, और वार्सल लगाने के बाद हमें इसको नट को कस लेना है, और नट को कसने के लिए हमें लेना है एक 14 नंबर की चाबी। तो मैंने देखिए ये 14 नंबर की चाबी ले ली है, और इस चाबी से जो है मैं इस नट को कस देता हूँ। तो देखिए ये जो है मैंने टाइट कर लिया है, और ऊपर का जो नट है इसमें रॉड में, तो इस नट को भी जो है मैं टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए ये चल तो रहा है, मगर इसमें जो है थोड़ा सा ऐंठ है, और इसका लाइन सीधा नहीं है, तो मैं इसके लाइन को कर लेता हूँ सीधा। देखिए ये सीधा हो गया लाइन। अब उसके बाद देखिए ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से जो है हमें सेट करना है, और कभी भी हमारे पैरदान में, कभी भी हमारे स्टैंड में आवाज़ नहीं होगा, कभी भी आवाज़ वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमें जो है सेट कर देना है।